बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका टीचर श्री गोवर। आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इसका टॉपिक है हमारे पास वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले आपने वेक्टर्स को ऐड किया था हेड टू टेल रूल के जरिए से, आज हम इसको डिस्क्राइब करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जरिए से। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मीन्स के वो कंपोनेंट्स जो कि आपस में 90 की डिग्री पर होते हैं। तो इसके लिए हम लेट करते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है ए और इसी तरह एक वेक्टर है बी। वेक्टर ए को हम इधर हेड टू टेल रूल के जरिए से ऐड करेंगे, ये वेक्टर ए आ गया, ओ एम इधर मैंने लिख दिया ओ एम। इसी तरह वेक्टर बी हमारे पास आ गया एम पी, ठीक हो गया, वेक्टर बी हमारे पास आ गया एम पी। इनको हमने हेड टू टेल रूल के जरिए से ऐड किया और एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बकायदा 5 स्टेप होते हैं, वो है हमारे पास सबसे पहला स्टेप, हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स लिखेंगे तमाम वेक्टर्स के, ठीक हो गया। उसके बाद हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे एक्स कंपोनेंट का, ठीक हो गया। उसके बाद हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे वाई कंपोनेंट का। उसके बाद हम फाइनल वेक्टर जो निकालेंगे उसकी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये हमारे पास आ गया चौथा स्टेप। और लास्ट वाला स्टेप है हमारे पास जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया है उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है एक्स और वाई कंपोनेंट्स, इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ जी। ये हमारे पास वेक्टर है ए, इसके एक्स कंपोनेंट्स के लिहाज से हम लिखेंगे, तो ये देखें ये हमारे पास आ गया ओ क्यू, ओ क्यू हमने लिख लिया ए एक्स, ओ क्यू हमारे पास आ गया ए एक्स। इसी तरह वेक्टर बी है हमारे पास, ये है जनाब एम से बी तक, तो इसका एक्स कंपोनेंट आ गया एम एस और इधर नीचे आ गया क्यू आर, तो क्यू आर हमारे पास क्या आ गया बी एक्स। इसी तरह हम वाई कंपोनेंट्स लिखेंगे, वाई कंपोनेंट्स हमारे पास आ गया वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट क्यू एम और इधर आ गया हमारे पास आर एस, मीन्स के आर एस इक्वल्स टू हमारे पास आ गया ए वाई, आर एस इक्वल्स टू ए वाई। इसी तरह वेक्टर बी है हमारे पास एम पी, इसके वाई कंपोनेंट इधर से इधर तक कर देंगे एस पी, एस पी हमारे पास आ गया बी वाई, ठीक हो गया। तो इस तरह हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स को लिख लिया। इसी तरह हम हमने रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट ये हमारे पास टोटल एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा ओ से आर तक, तो ओ से आर हमारे पास क्या है ओ क्यू मीन्स ए एक्स और क्यू आर मीन्स के बी एक्स। तो इसी तरह आपके पास आ गया आर एक्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया एक्स कंपोनेंट। और इसी तरह हम आगे वाई कंपोनेंट निकालेंगे, तो वाई कंपोनेंट हमारे पास ये है, तो आर पी इक्वल्स टू आ गया आर वाई, ठीक है। तो इसको हम आर पी हमारे पास आ जाएगा आर एस प्लस एस पी, आर एस प्लस एस पी, तो आर पी को हम फाइनल लिखेंगे आर वाई और आर एस को हम लिखेंगे ए वाई और एस पी को हम लिखेंगे बी वाई, ठीक हो गया। इसके बाद हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए हम सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर लिखेंगे एक्स कंपोनेंट्स के लिहाज से, एक्स और वाई कंपोनेंट्स के लिहाज से, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आई कैप और जे कैप का मतलब है आपने इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत में लिख लिया, ठीक हो गया। तो इसकी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड के हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, मींस के आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो आर हमें निकालना है, आर इधर आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक हो गया, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आर एक्स हमने क्या निकाला है, आर एक्स हमने निकाला है जी ए एक्स प्लस बी एक्स, तो आर एक्स की जगह पे हम ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर लिख लेंगे, इसी तरह आर वाई की जगह पे ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर लिख लेंगे। तो हमारे पास आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए और बी, ठीक हो गया। इसी तरह हम आगे डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए हम टेन थीटा यूज करेंगे, टेन थीटा मतलब हमारे पास होता है परपेंडिकुलर आवर बेस, तो हमारे पास परपेंडिकुलर ये है वाई कंपोनेंट, ठीक हो गया, और बेस है हमारे पास एक्स कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर हमने इधर निकाला हुआ है ए वाई प्लस बी वाई,
ये आ गया ए वाई प्लस डी वाई और बेस है हमारे पास ए एक्स प्लस डी एक्स, तो टेन हमारे पास इधर था इधर आ जाएगा तो ये इनवर्स बन जाएगा। तो हमारे पास है जो थीटा है जिसे हम डायरेक्शन के लिहाज से यूज करते हैं, थीटा इक्वल्स टू आ गया टेन इनवर्स ए वाई प्लस डी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस डी एक्स। तो इसके लिए हम जनरलाइजेशन फॉर्म लिखते हैं, ये हमारे पास है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड थी सिर्फ टू वेक्टर्स की मींस के ए और बी। तो इधर हमारे पास अगर बहुत से वेक्टर हैं मींस के ए है बी है सी है डी है जितने भी हैं तो उनके लिए एक जनरल फॉर्म क्या होगी, तो उसके हम लिखेंगे आर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है ये जिस तरह है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस जितने भी वेक्टर हैं सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सो ऑन सबका स्क्वायर और इसी तरह ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई सबका स्क्वायर होगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास आ गई मैग्नीट्यूड, इसी तरह जनरल डायरेक्शन निकालेंगे तो उसे भी हम इसी तरह लिख लेंगे, जो आपके पास टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आई या डायरेक्शन आई सॉरी उसी तरह से हम सब के डायरेक्शन निकाल लेंगे। ये हमारे पास है ए वाई प्लस बी वाई, इधर भी हमारे पास आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई प्लस सोन और नीचे हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सोन। तो हमारे पास डायरेक्शन आ गई थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स परपेंडिकुलर आवर बेस। थैंक यू।